इंसानियत मर चुकी है, हमारी माँ बहन बेटी घर पर भी महफूज नहीं है। एक अगर बड़ा कोई अफसर जा रहा है, उसके आगे पीछे 10-20 गाड़ियां हैं उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन आज बिनते हवा की बेटी का कोई मुहाफिज नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सारे ठीक हैं? मैं आज बात करने वाली हूँ जो मोटरवे पर सानिया हुआ है, मैं उसको हादसा नहीं कहूँगी, गलती से कह दिया, मैं उसको जुल्म कहूँगी। और इतना जुल्म कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? एक बेटी, एक बहन और माँ और बीवी, कैसे कोई उसकी इज्जत के साथ खेल सकता है? कैसे कोई इतना जुल्म कर सकता है? मैं कहूँगी कि इंसानियत मर चुकी है, इंसान है लेकिन इंसानियत मर चुकी है। और ऊपर से देखें, जो जिन्होंने दफा करना है उनके कैसे बयान आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो उनके बयान से और दिल टूट गया। अकेली नहीं बाहर निकलना चाहिए था, उसको नहीं जाना चाहिए था, ऐसे फ्यूल चेक करना चाहिए था, क्यों निकली वो? इसका मतलब कि एक औरत जो है, हमारी माँ बहन बेटी घर पर भी महफूज नहीं है, अपनी फैमिली में भी। कभी घर पर मर्द नहीं होते, अकेली औरतें होती हैं, तो क्या इसका मतलब कि अकेली औरत को घर पे भी नहीं रहना चाहिए? वो घर में, अपने घर में भी गैर महफूज है। इवन के इसका मतलब फिर वो कब्र में भी महफूज नहीं है, उसको कब्र में भी अकेला नहीं दफनाना चाहिए। समझ नहीं आती मुझे, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बात नहीं कर पा रही कि कोई ऐसे जुल्म इतना कैसे कर सकता। क्या आया कि उसको अपनी घर बेटी माँ बहन कोई याद नहीं आई होगी? और जो कहते हैं, इतने बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं इस पाकिस्तान मुल्क को, तो ये तो मदीना की रियासत नहीं। मदीना की रियासत में तो आज तक किसी बहन बेटी का कोई ऐसी वो ज्यादती का शिकार नहीं हुई। मदीना की रियासत तो वो है, और शर्म आती है मुझे, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, मैं तो कहना भी नहीं चाहती, ये कहाँ की मर्दानगी है? अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, मर्द का अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन ऐ मर्द मैं आज ये कहूँगी कि तू इतना गिर गया, इतना गिर गया तू, तुझे तो अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है और उसका तू नजायज फायदा उठाने लग गया, कैसे कर सकता है इतना जुल्म? तुझे जरा भी ख्याल ना आया? फिर बच्चों के सामने एक माँ पर कैसे क्या गुजर रही होगी उस टाइम, कि उसके बच्चों के सामने उसकी इज्जत पामाल हो गई, और बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हमारी जन्नत के साथ आज क्या हो गया, क्या सोच रहे होंगे वो बच्चे, और उन भाइयों के ऊपर क्या गुजरी होगी जिनकी बहन की इज्जत पामाल हो गई, उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी की इज्जत ऐसे एक मुसलमान ममालिक मुल्क में लूट ली गई, और एक खावंद क्या सोच रहा होगा जिसने अगले सारी जिंदगी के पल उसके साथ गुजारने, वो जब जब देखेगा उसके जहन में नहीं आएगा। और एक बीवी क्या उससे नजरें मिला पाएगी, चाहते हुए भी नजरें नहीं मिला पाएगी, वो खुद में शर्मिंदा हो जाएगी। और वो बेटे जिनके सामने उनकी जन्नत को दागदार किया गया, वो क्या सोचेंगे सारी जिंदगी अपनी माँ को देखकर? कैसे कर सकते हो आप किसी के साथ इतना जुल्म?
कैसे, किसने हक दिया ये आपको, कैसे कर सकते हैं। किसने दिया ये आपको हक, और जो हमारे मुहाफिज है, एक अगर बड़ा कोई अफसर जा रहा है उसके आगे पीछे 10-20 गाड़ियां हैं उसकी हिफाजत के लिए, लेकिन आज बिनते हवा की बेटी का कोई मुहाफिज नहीं है क्या। मेरी अपनी हुकूमत, अपनी गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर अपील है कि ये हमारा एक मुसलमान मुल्क है और आप भी मुसलमान एक बादशाह हैं, इन जालिमों को सबसे सख्त सजा देनी चाहिए। ये फांसी का लफ्ज भी इनके लिए छोटा होगा, इनको संसार करना चाहिए। खुदारा जैनब और कितनी बेटियां बहन है जो है ना इस चीज का शिकार हो चुकी है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को संसार कर दे खुदारा, जब हमारा दीन हमारा मजहब इस चीज की इजाजत दे रहा है, तो आप क्यों इनके केसेस चलाते हैं, क्यों इनके केसों की जो है ना तरीके पड़ती हैं, क्यों इनके केस चलते हैं। इनको संसार करें, इनको चौक पर संसार करें, पत्थर मार मार कर सख्त से सख्त इनको सजा देनी चाहिए, ताकि ये आगे किसी हवा की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। कब तक ऐसे होगा, कब तक इज्जतें रुलेंगी ऐसे। प्लीज, मुझे पता है मेरी किसने सुननी है, मेरी कौन सुनेगा मेरी, लेकिन प्लीज मजलूमों की आह से बच जाएं आप, मजलूमों की आह से बच जाएं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अल्लाह को राजी किया 22 लाख मील मुरबा मील पर जो है ना हुकूमत की उन्होंने, और ऐसे आदिल बादशाह क्या दुनिया देखेगी, क्या ये जमीनें देखे होंगे, और वो क्या कह रहे हैं, दजला के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उसकी पूछ उमर से होगी। तो मैं आपसे अपील करके कहती हूँ, आप मुल्क के बादशाह हैं इमरान खान, ये अल्लाह आपसे पूछेगा, ये इस दुनिया को इंसान ने छोड़ जाना है, एक दिन अल्लाह के हाँ भी आपने खड़ा होना है। कोई भी बादशाह है मुल्क का, मैं सबसे कहती हूँ, गुजारिश करती हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे मुहाफिज हैं जो पुलिस वाले, आप सबसे भी गुजारिश है, इनको सख्त से सख्त सजा दें आप, इनके केस ना चलाएं, अल्लाह देख रहा है, इन मजलूमों की आह से बच जाएं, नहीं तो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता।